सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है आपके। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं फेस के ऊपर, फेस की स्मूथ के ऊपर। तो गाइस फोटोशॉप के जैसे अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं एकदम डिटेलिंग में, तो कैसे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप डिटेलिंग से फ़ोटो को स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऐप्स की ओर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ऐप्स का नाम ऑटोडेक्स, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इससे आप बैकग्राउंड भी रेज कर सकते हैं, बट आप इसमें स्किन भी स्मूथ कर सकते हैं। तो आपको इसी स्मज ब्रश में जाना और जिस भी स्क्वायर बना हुआ उस पर ब्रश पे क्लिक करके सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। आप सेटिंग देख सकते हैं, अगर आप फॉलो अगर स्पीडली करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ को और फॉलो को बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा के करते हैं साइज। तो गाइज हमारा फेस स्मूथ हो चुका है ना। तो अब फोटोशॉप का जैसे आप आराम से अगर मतलब फेस को स्मूथ करेंगे तो इजीली से स्मूथ हो जाएगा, जितना जूम करना चाहते हो उतना हो जाएगा। बट पिक्सआर्ट में होता क्या है, पिक्सआर्ट वगैरह में होता क्या है कि आप ऑटो कर सकते हैं बट वो अच्छा दिखता नहीं है। ये अपने हिसाब से आप स्मूथ कर सकते हैं। वैसे तो पिक्सआर्ट में भी होता है, स्नैपसीड में भी होता है, अदर एडिटिंग एप्स में भी स्मूथ होता है, बट ऑटोडेस्क इज द बेस्ट। सो यूज़ कीजिए ऑटोडेस्क से, फेस को स्मूथ कीजिए। सेटिंग्स सब आप लोग देख लीजिए, इस सेटिंग में कीजिए या फिर आपके मतलब स्किन के अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं फॉलो को, स्ट्रेंच को। और एक बात हाँ, इससे हेयर भी मतलब हेयर भी सेट वगैरह हो जाता है।
अगर हेयर को अगर असेट करना या फिर बढ़ाना वगैरह वगैरह कुछ भी, तो ऐसे फॉलो स्ट्रेंच कीजिए, साइज को अप बढ़ाइए और इसे हेयर सो हेयर भी इससे हो जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि बैकग्राउंड इरेजिंग भी इस ऐप से बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। तो होप यू आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।